नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है इंडिया वाले गठबंधन में, तो दूसरी तरफ जो एनडीए है वहां भी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो साझीदार हैं एनडीए के, उनमें भी कसमसाहट शुरू हो गई है। बात अगर इंडिया वाले गठबंधन की करें तो कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के बीच शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय माना जा रहा है। जो आज देर शाम तक खबरें आई उसमें यह माना गया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है और उसके मुताबिक पिछली बार शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी थी जब भाजपा का उसके साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार जो गठबंधन महाविकास आघाड़ी उसे इतनी सीटें देने की स्थिति में नहीं था। लगभग जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारी आ रही उसके मुताबिक 20 सीटें शिवसेना यूबीटी को, 20 सीटें कांग्रेस को और 6 सीटें एनसीपी को और 2 सीटें वंचित आघाड़ी को दिए जाने की बातें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पेच फंसा हुआ है। इस वक्त एक देर शाम को एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग बैठे हैं और उस पर सीट शेयरिंग के फार्मूले को क्रैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में इंडिया वाले गठबंधन के साथ क्या भूमिका होगी, इसको लेकर अलग अलग तरीके से बयानबाजी और खटपट नज़र आ रही है। मायावती के तेवर पिछले दिनों 2-3 दिनों से तीखे हैं, वो अखिलेश यादव पर निशाना साध रही हैं, लेकिन कांग्रेस नरम है मायावती को लेकर। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने कहा कि भाई ये सारे दलों की जिम्मेदारी है मोदी को हराने के लिए एक साथ आए। जो लोग इस मौजूदा सरकार को हटाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो लोग एक साथ आए और उसमें बसपा भी है, बसपा के लिए भी स्पेस होना चाहिए। इस तरीके की बातों से जो समाजवादी पार्टी के दूसरे और तीसरे पंक्ति के नेता हैं वो एक तरीके से उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। तो अगर कुल मिलाकर कहा जाए कि वास्तव में जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं वो अपने आप में एक तरीके से उलझती जा रही हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में दलित का जो फार्मूला है वो बहुत कांग्रेस को लुभा रहा है। उत्तर प्रदेश में 21% जो दलित मतदाता हैं और जो 80 में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, 42 सीटों पर दलित प्रभावी हैं, असरदार हैं, जहां वो निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियों में मायावती को एनडीए वाले गठबंधन से बाहर रखने में कांग्रेस बहुत सहमत नजर नहीं आ रही। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे, ये बहुत सारी चीज़ें अभी फंसी हुई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये स्थितियां और परिस्थितियां जो हैं वो अपने आप में एक अलग तरीके का राजनीतिक समीकरण बना रही हैं। अब बसपा और सपा के बीच विवाद की जड़ है कि उनका जो एक तरीके से वोट बैंक है, मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बहुजन समाज पार्टी भी बनाती है और वही कॉम्बिनेशन दलित और जो पिछड़ा और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी को भी पिछले चुनाव में कुछ दलित वोट मिला है। तो इन सब गुणागणित को लेकर कांग्रेस भी कमोवेश दलित, मुस्लिम और इन्हीं वोटों में खेलती रही है। तो ये जो पूरा समीकरण है वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में उलझा है। बाकी राज्यों में धीरे धीरे सीट शेयरिंग का फार्मूला ठीक होता नजर आ रहा है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने एक तरफा 5-6 सीटों पर प्रत्याशी ऐलान करके और एक तरीके से एक आक्रामक तरीके से अपने गठबंधन में अपनी बात को रखा है और वो कहा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव की तरह ही नीतीश कुमार भी थोड़ा ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये गुणागणित जो भी है वो अपने आप में एक अलग तरीके का माहौल बना रहा है। इस बीच जो एनडीए का गठबंधन है इंडिया अलायंस के जवाब में, तो उसमें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और उन्होंने तमाम तरीके से निशाना साधा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और एकदम उस तरीके से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं
अपने सिंबल पर, पिछली बार हमें बीजेपी के सिंबल पर लड़ा दिया गया था। निषाद का एक अलग गणित है, उत्तर प्रदेश में निषादों की आबादी 2-3% है, लेकिन वो 18% दावा कर रहे हैं। उसमें निषाद, बिंद, कश्यप, मांझी, जुलाहा, बहुत सारी जातियों को इकट्ठा करके वो 18% वोटों का खुद को अलंबरदार साबित करके एक तरीके से बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये दबाव केवल जो बाकी दल हैं, अपना दल या सुभासपा, इनके मुकाबले कहीं निषाद पार्टी पीछे न रह जाए, इसलिए है। बाकी बीजेपी का नेतृत्व या उस पर दबाव बनाने की स्थिति में ये दल उस समय लोकसभा के चुनाव में जरूर आ जाते हैं, क्योंकि इनका एक 2-2%, 3-3% वोट अगर ये इधर उधर छिटका तो बीजेपी की कई सीटें प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एक जो एक निर्णायक भूमिका, ये कहिए एक बीच का रास्ता बीजेपी का नेतृत्व भी निकालता रहा है, और यही वजह है कि अपना दल, जिसे एक विधायक जिताने में मुश्किल होती थी, उसके आज बहुत सारे विधायक हैं, 2 सांसद हैं, निषाद पार्टी एक सांसद है, 6 विधायक हैं उनके, सुभासपा के 5 विधायक, 6 विधायक हैं। तो इस तरीके की स्थिति, परिस्थिति बनती नजर आ रही है। जिनको छोटे दल कहते हैं, ये बड़े गंभीर प्लेयर हैं उत्तर प्रदेश में, जो 80 सीटें और 80 सीटों पर दारोमदार है। तो एक रिपोर्ट देखिए, पूरा आपको कहानी, किससे सीट शेयरिंग, ये आपको समझ में आ जाएगा। और जहां बीजेपी इन दिनों अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम को लेकर व्यस्त नजर आ रही है, तो वहीं गठबंधन दलों में सीटों को लेकर तनातनी मची हुई है। बीजेपी जहां जनता को धर्म कर्म से जोड़कर वोट बैंक को हासिल करने की जुगत में है, तो वहीं अयोध्या को लेकर विपक्षी दलों की तमाम बयानबाजियां उल्टी ही दिशा की गंगा बहा रही है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के बीच आपसी उठापटक की। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवपाल यादव की, जिन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस पोस्ट का करारा जवाब दिया है, जिसमें डिप्टी सीएम ने कहा था कि कांग्रेस से बुआ हाथ ना मिला ले तो कहीं बबुआ परेशान तो नहीं। और इस पर शिवपाल यादव ने कहा है कि सरकार आपकी स्वयं की संगठन और सरकार में तो चल नहीं रही है, इसलिए संगठन और सरकार के दायित्व से इतर नजर बहुत पैनी रख रहे हैं, कहीं भाजपाई दंगल में बाहर कर दिए जाने की वजह से दल और दिल बदलने का इरादा तो नहीं। वहीं शिवपाल के इस पोस्ट ने कई सारे सवाल सत्ता दल पर खड़े कर दिए हैं। इंडिया गठबंधन में अहम रोल रखने वाली उद्धव गुट की शिवसेना और एनसीपी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को घिरती नजर आई, लेकिन अब ये खबर है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला तय। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बैनर तले 4 दल लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे की जो तस्वीर सामने आई, कांग्रेस 20, शिवसेना यूपीटी 20, एनसीपी शरद पवार गुट 6 और सीटों पर लड़ेगी और चुनाव इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वही ये भी जान लेना जरूरी है कि पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा 2019 में। 2019 की बात करें तो 2019 में सभी पार्टियों का कैसा रहा प्रदर्शन। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हुआ। गठबंधन में 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने तो 23, अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को महाराष्ट्र में
सिर्फ एक सीट मिली। अविभाजित एनसीपी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। अब जरा निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा है ये भी सुनिए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं सर, 11वां संकल्प दिवस आप मनाने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी आएंगे, आखिर में समाज को लेके एक एनडीए जो आप एनडीए के घटक दल हैं, अगर आप इसको एक रैली कर रहे हैं, क्या यह इंडिया गठबंधन के लिए भी कोई संदेश है? देखिए, हम लोग एकजुटता का, हमने 39 पार्टियों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 39 पार्टियों ने कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना, जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना, तो निश्चित रूप से मोदी को जिताने के लिए हमें एकजुटता का परिचय देना पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन में किसी ने चिंता की तो मोदी ने चिंता की मछुआ समुदाय को। आज के दिन में अगर निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित करना, 56 फुट की मूर्ति लगाना, 20 करोड़ 38 लाख रुपए देना, आरजीआई को पत्र लिखना, आरजीआई से एक्सेप्ट कराना, आरजीआई ने लिखना कि नहीं केवट मल्ला मझवारन सुखे, तो आज के दिन में जिस तरीके से अपर कास्ट महिलाओं ने एहसास कराया मोदी जी को एक मुश्त वोट देकर, और देखो 10% आरक्षण लिखवाए महिलाओं को तय, उसी तरीके इनका लिखा हुआ है 1931 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जाति। वहीं अखिलेश यादव सभी बयानों को दरकिनार करते हुए भाजपा को घेरते नजर आए। कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश ने ऐसी लूट कभी नहीं देखी होगी, हर स्तर पर लूट है, चाहे वो थाने हो, चाहे वो तहसील हो या कोई विकास कार्य हो रहा हो, इतनी लूट उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इतना भेदभाव, इतना अपमानित करने का माहौल, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ये हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। चुनावी नजरिए से उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य है और यहां सपा और बसपा अहम दलों में मानी जाती है, लेकिन इन दोनों पार्टियों में हमेशा नोकझोंक बनी रहती है। असल वजह क्या है, कहीं ये तो वजह नहीं? बीएसपी और एसपी की विवाद की वजह है। बसपा सुप्रीमो और सपा प्रमुख के बीच आपसी विचार बड़ी वजह, दोनों के बीच उम्र का फासला और तजुर्बे में अंतर, दोनों का वोट बैंक कॉमन है और यही गहरी वजह मानी जा सकती है। बीएसपी संस्थापक काशीराम की सोच पर चलती है मायावती, अखिलेश यादव की छवि सौम्य स्वभाव के नेता की है। वही खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी पहली लिस्ट पर मंथन करना शुरू कर दिया है और कुछ नामों पर चर्चा भी कर रही है। सपा की पहली लिस्ट पर चर्चा, सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव खुद कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, वहीं शिवपाल यादव जसवंत नगर नहीं छोड़ना चाहते, डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती हैं, धर्मेंद्र यादव को बंदायू से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव प्रत्याशी हो सकते हैं और अम्बेडकर शिवनगर से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा प्रत्याशी हो सकती है, अयोध्या से अवधेश प्रसाद प्रत्याशी हो सकते हैं, तो वहीं बस्ती से राम प्रसाद चौधरी के नाम पर मंथन जारी है, संत कबीर नगर या देवरिया से कुशल तिवारी के नाम पर मंथन हो रहा है, गाजीपुर से सपा अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ाने के मूड में है, मोहनलालगंज सीट से आरके चौधरी प्रत्याशी हो सकते हैं। अभी कयासों का दौर जारी है, बयानबाजियां चरम पर है, रूठने मनाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन फाइनल में निकल कर क्या आता है ये देखने वाली बात होगी और यही सबसे अहम बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अलग अलग तरीके से उखाड़ पछाड़ राजनीति, और अब बहुत कम दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा होने में। ये खबर है कि मार्च के पहले हफ्ते में घोषणा हो सकती है चुनावों की, ऐसी खबरें हैं। तो अब बहुत ही कम दिन इंडिया वाले गठबंधन के पास है, और बीजेपी तो बहुत दिनों से तैयारी अपनी कर ही रही है,
जितनी सारी बवाल, जितने सारे झंझट लगातार निकल कर आते हैं, विपक्ष में ही ज्यादा नजर आ रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। इंडिया वाले गठबंधन में जो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने आप में बीजेपी से कुछ ज्यादा ग्रहण करने के लिए, ज्यादा कुछ बार्गेनिंग करने के लिए भी बीच बीच में वो हुंकार भरते रहते हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि वो 11 सीटों पर अपने सिंबल में लड़ना चाहते हैं। अपना दल की भी मांग है कि भाई वो कुछ ज़्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं। इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर, तो अभी उनका पत्ता ही नहीं खुला है, उनके प्रवक्ता भी हमारे साथ में हैं। मंथन में मेहमानों का एक अच्छा खासा पैनल जुड़ गया है, परिचय करा दूं। अनिल यादव कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत अनिल भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार की न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सुभाष यादव सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। यादव जी आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अजीत यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीत जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। कृष्णमोहन पांडे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे जी स्वागत, आभार, धन्यवाद। राघवेंद्र सिंह राजू उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज दोपहर में ही राजू जी से बात हो रही थी लखनऊ में, तो वो कुछ बहुत सारे गुणा गणित उत्तर प्रदेश को लेकर बता रहे थे, उनको समझेंगे आज इस चर्चा में। लेकिन मैं कांग्रेस के बेहद डायनेमिक और ऊर्जावान प्रवक्ता अनिल यादव के पास जाऊंगा। अनिल यादव मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके से आपके प्रभारी अविनाश पांडे के बयान आए हैं, उसको लेकर अभी शाम को भी मीडिया में उनके बयान चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। समाजवादी पार्टी के लोग उनके इन बयानों से, पहले वो आपके अध्यक्ष जी से बहुत पीड़ित थे अखिलेश यादव, अब मुझे लग रहा है कि जो आपके प्रदेश प्रभारी जी हैं वो भी सपा को पीड़ित कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने तय मान लिया है कि नहीं, बहन जी को लेना ही है, चाहे अखिलेश जी की कीमत पर? अनिल यादव देखिए चौहान साहब, ऐसा है कि ये जो चुनाव है, आगामी जो चुनाव है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर, हमारा मुकाबला जो है वो निश्चित तौर पर बहुत कड़ा होगा। और कड़ा क्यों होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी है, सीबीआई है, ईडी है, और बेहिसाब पैसा है। आप जान नहीं रहे हैं कि कहां से पैसा आ रहा है, किस तरीके से पैसा आ रहा है। सारे उद्योगपतियों का, जो चंद जो उद्योगपति हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, तो सारा सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं। हम लोग तो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कोई भी चूक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और देश में हराने में ना हो। उसमें हमारी भूमिका ये है कि क्योंकि देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है, और बड़े होने के नाते भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि अपने जितने भी सहयोगी हैं हम उनको साथ में लेके चले, और जहां पर हम अपनी ताकत में इजाफा कर सकते हैं वहां पे किया जाए। जहां तक मेरी समझ है, समाजवादी पार्टी ने भी ये बिल्कुल नहीं कहा कि मायावती जी के साथ नहीं गठबंधन होना चाहिए। उनमें मैं अखिलेश जी का वो बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि बात की गारंटी कौन लेगा, वो उनको संशय है, और वो संशय यही दिक्कत है अनिल यादव, यही दिक्कत है वो अखिलेश जी बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी ये गारंटी ले सकती है क्या? मैं वही बता रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहला, इससे भी पहले सवाल ये है कि 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराया कैसे जाए जी। उसमें यदि मायावती जी हमारे साथ आती है तो निश्चित तौर पर, इससे मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी इंकार नहीं करेगी, या आप भी इंकार नहीं करेंगे, कोई भी यहाँ पर इंकार नहीं करेगा कि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। और जब मजबूती मिलेगी तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम सभी दलों को, हम तो कहते हैं, और मायावती जी को छोड़िए, हम तो चाहते हैं, अभी जैसे निषाद जी बात कर रहे थे कि भाई वो 11 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ निषाद जी हों, अनुप्रिया पटेल हों, राजभर जी हों, क्योंकि ये वो दल है जो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि अगर ये भी शामिल होना चाहें, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहें, देश में संविधान की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसको मजबूत करना चाहें, तो निश्चित तौर पर इनको भी शामिल होना चाहिए, और हम इनके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। लेकिन इसका फैसला जो है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये इंडिया गठबंधन करेगा, एक दल कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। यदि मायावती जी आएंगी तो उसमें सहमति सभी की होगी, उसमें अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण रोल है और बाकी नेताओं का भी महत्वपूर्ण रोल है। एक, क्योंकि आपने, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि जब आपने अपनी बात शुरू की तो आपने कहा कि वहां पर इंडिया गठबंधन में ज्यादा आपको विवाद दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहां पर हमारे यहां पर संवाद है, विवाद नहीं है। संवाद कैसे होता है कि जब दो पार्टियां आपस में बात करती हैं, किसी पे सहमति बनती है, किसी पे असहमति बनती है, फिर बैठ के बात की जाती है, तब होता है संवाद। अब विवाद क्या होता है? विवाद ये होता है जो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि कौन यहाँ पर सीधे AIDMK बताती है एक दिन में कि भाई अब आज से हमारा NDA से कोई लेना देना नहीं, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं।
ऐसा ही सेम कहानी हमने देखा कि जेपी नड्डा जी का बयान आया, हरियाणा में जेजेपी के साथ मिला के उनकी सरकार है, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये होता है विवाद। तो हमारे यहाँ संवाद है, संवाद को करते करते हम हर सीट पे मजबूत दावेदार खड़ा कर देंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का। ठीक बात है, ठीक बात। मैं एक समाजवादी पार्टी के पास जाता हूँ, चूंकि सभी मेहमानों से मेरा निवेदन है कि प्रारंभिक दौर में बात संक्षिप्त रखेंगे तो सभी आ जाएंगे, फिर हम लोग दूसरे चक्कर में आएंगे। अजीत यादव बहन जी से, भाई आप लोगों ने गले लगाया था, सारे गिले शिकवे बहन जी ने भी दूर कर दिए थे पिछली बार, और हम लोग तो देख रहे, इतिहास रच दिया था आप लोगों ने, बड़े उत्साहित थे। अब अगर कोई बड़े कॉज के लिए, अब आप कह रहे हैं कि भाई जो आप लोगों का गठबंधन वो कह रहा है कि भाई एक लोकतंत्र बचाने के लिए, तो उसमें क्या दिक्कत है, दिल दरिया करिए। अजीत यादव सुन पा रहे हैं हमें? अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, दौड़ रही। हमने तो 2019 में ही बड़ा दिल किया था, और अखिलेश जी ने बहन जी को इतना सम्मान दिया और बराबर की सीटों पर लड़े, वो ज्यादा लड़ी, लेकिन आपने देखा होगा कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद लगभग एक महीने बीते गए होंगे, वोटरों ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया। और 2014 में बहन जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ी थी तो जीरो पे हो गई थी आउट, लेकिन 2019 में जब वो गठबंधन से चुनाव लड़ी तो नुकसान तो हमारा हुआ, हमारा कटु अनुभव है कि नुकसान हमारा हुआ जब जब गठबंधन किए, चाहे हम कांग्रेस से गठबंधन किए तब भी घाटे में गए, बड़ा दिल किए, चाहे हम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किए तो भी हम 5 सीट जीत पाए, वो 10 सीट जीत गई। और बहन जी पूरे 5 साल तक, 10 साल तक नेपथ्य में रहती हैं, कभी ना कोई आंदोलन करती हैं, अगर दलितों के ऊपर अत्याचार हो, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो तो कभी बयान नहीं देती। तो मायावती का स्टाइल है राजनीति करने का, जीत यादव वो कब आंदोलन करती रही हैं, वो तो मिशनरी नेता हैं, काशीराम भी मिशनरी नेता थे। अरे सुन लीजिए, 2022 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, बहन जी ने बकायदा लेटर जारी करके कहा कि जो समाजवादी पार्टी को भाजपा के कैंडिडेट हरा सकते हैं बहुजन के लोग उनको वोट करें और समाजवादी पार्टी को हराने का काम करें। अगर दिल बड़ा करके बहन जी चाहती कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की और धर्मनिरपेक्ष सरकार बने और सांप्रदायिकता और दंगाइयों को हटाने के लिए जो अगर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करे, तो आप देख लेते कि आज हम 37% वोट पा करके जो 111 सीट जीते हैं और गठबंधन में हम लोग सरकार बनाते, बहुत ज्यादा वोटों का फर्क नहीं है। हम अंकों में जरूर हार गए हैं लेकिन हम चुनाव नहीं हारे हैं। रही बात बहन जी की, तो बहन जी जब जान रही हैं कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तो गठबंधन में दुनिया जानती है कि बहन जी किस तरीके से सीटों को बेचने का काम करती हैं, सौदा करने का काम करती हैं। इसका मतलब तो बात बनेगी नहीं, आपकी नजर में कांग्रेस और बसपा लगभग लगभग आपने एक ही तरीके से तोल दिया। अजीत यादव मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी चर्चा में शामिल करूंगा और एक हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी परिचय कराएंगे। ब्रेक से लौट आ रहे हैं, सीधे रुख करेंगे कृष्णमोहन पांडे जी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई जो इंडिया वाले गठबंधन में बहुत सारा बवाल झंझट उठा पटक पूरे दिन मीडिया में चलता रहता है कि इतना टूट फूट गदर मची हुई है, तो वो लोग संवाद कर रहे हैं और आप लोग विवाद करते हैं,
उन्होंने दो उदाहरण दिए, डीएमके डीएमके का उदाहरण दिया, जेजेपी का उदाहरण दिया। वो कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है इनका गठबंधन, और आप लोग लोकतांत्रिक नहीं है इसीलिए आपको छोड़ छोड़ कर लोग जाते हैं। एक तो मेरा ये सवाल है, और दूसरा जो 80 सीटों को लेकर जिस तरीके से गठबंधन में गतिविधियां चल रही हैं, तो आपको लगता है क्या कि आपको चुनौती मिलने वाली है, या आप बिल्कुल 80-80 जीत रहे हैं? पांडे जी, दुर्गेंद्र जी, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अपने मित्र हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं जी, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में विवाद है और इनके यहाँ संवाद है। हाँ, गठबंधन की बात की, एनडीए और इंडिया में। जी वही मैं वही पे आ रहा हूँ। ये इंडी जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन में यदि बहुत ही अच्छा विवाद होता, संवाद होता, तो मुझे लगता है कि जो अभी समाजवादी पार्टी के मित्र, कांग्रेस के मित्र, और जो उठा पटक पूरे देश भर में चल रहा है, दिल्ली में केजरीवाल जी कह रहे हैं हमें दिल्ली छोड़ दीजिए, अखिलेश जी कह रहे हैं हमें यूपी छोड़ दीजिए, नीतीश जी कह रहे हैं बिहार छोड़ दीजिए, और ढेर सारे पूरे कितनी यात्राएं कि इनके उनको कराई जाए, ये सारे लोग छोड़ रहे हैं, तो हमारे कांग्रेस के साथी लड़ेंगे कहां? और जब लड़ेंगे नहीं तो जीत के सीट ना आएंगे तो साहब वहां पे कोई 2009 में भी, पांडे जी आपको याद होगा 2009 में मुलायम सिंह 4 सीटें दे रहे थे और कहा था कांग्रेस की औकात ही क्या है, 4 सीटें दे रहे 2009 में। जी कहता हूं किसकी क्या औकात है ये तो अपने में ये लोग तय कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इतना कह रही है, यदि संवाद होता तो इतना उठा पटक ना होता, और यदि भारतीय जनता पार्टी में विवाद होता तो अंदर से बातें खुल के बाहर आती, और मुझे लगता है मीडिया से बेहतर कौन जानता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ समन्वय रखती है और समन्वय के साथ सहचारिता का भी साथ रखती है और उसी में आगे बढ़ती है, और हम समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं है और हम अपनी लगभग तैयारियां पूर्ण कर चुके हैं। चुनाव में कल चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार, क्योंकि हम 5 वर्ष काम करते, 4.5 वर्ष काम करते हैं और चुनाव के 6 महीना पहले हम तैयारियों में लगते हैं और तैयारी पूर्ण हो चुकी है हमारी। एक बचा है, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि बीजेपी का बड़ा मुकाबला है यूपी में, साहब कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ संवाद करती है और जनता भारतीय जनता पार्टी का वर्णन कर रही है 2014 में, 17 में, 19 में और 22 में आपने देखा, और अभी वर्तमान में जब देखे घोसी का एक चुनाव हम हारे थे तो पूरा क्या क्या प्रोपेगेंडा रचा गया, अब तो हम जीत गए, अब ये इंडिया की जीत है, ये देश की जीत है, साहब 3 राज हार गए फिर उसके बाद, ये आपका वास्तविक चित्र, क्योंकि जनता से आपका संवाद शून्यता है। और इन्होंने कहा कि इनके साथ जवाब मित्र चुनाव के समय में चुनाव आयोग इस देश को कंट्रोल करता है, चुनाव चलाता है, ईडी सीबीआई ने कब्जा कर लिया ना। दूसरा इन्होंने कहा कि संविधान की लड़ाई है, हाँ साहब बिल्कुल संविधान की लड़ाई है, यहाँ लड़ाई दो तरह की है, एक वो लोग है जो संविधान को नमस्ते करके और संविधान को प्रणाम करके संसद भवन में जाते हैं, और दूसरे वो लोग है, मैं दुर्गेश जी याद दिलाना चाहूंगा, इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है संविधान में कि पूरे संविधान में चूंकि क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्वासी फेडरल फेडरलिज्म के कारण कहीं कहीं पर परिवर्तन हो सकता है समय अनुसार, परंतु एक जगह परिवर्तन नहीं होगा तो वो प्रस्तावना, परंतु इस देश में इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में भेजकर संसद बंद करके और प्रस्तावना में परिवर्तन करने का किसी ने काम किया, संविधान से छेड़छाड़ करने का काम किया, तो कांग्रेस आज संविधान बचाने निकली है जिसने संविधान के प्रस्ताव में परिवर्तन दिया। दूसरा इन्होंने हमारे सपा के मित्र ने कहा कि दंगाइयों और सांप्रदायिक ताकतों से रोकने के लिए हम एक साथ आ रहे हैं। साहब इस उत्तर प्रदेश ने आप मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पांडे जी को बोले दीजिए, मैं आ रहा हूं, सभी से जवाब दूंगा जी। चल रहा था दंगा जी दंगा था, ये उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश है, और दंगा छोड़ दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं एक पत्थर उठा ले, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पे कानूनी व्यवस्था पे और जनता को यह विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस प्रदेश में दंगे लोग भूल गए, ब्लास्ट इस देश में लोग भूल गए, क्योंकि हमने जवाब ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा अनुरोध है
कि आप दोनों के, अनिल यादव और अजीत यादव के पास मैं आऊंगा, चूंकि सुभाषपा के यादव जी हमारे साथ हैं और राघवेंद्र जी, मैं इनको पहले चर्चा में शामिल करूंगा फिर जवाब ले रहा हूं। सुभाषपा के नेता सुभाष यादव के पास मैं आ रहा हूं। अभी अनिल यादव ने आप लोगों को निमंत्रण दे दिया कि आप लोग भी आओ संविधान बचाने के लिए, सुभाष यादव, क्योंकि आपकी आवाज वहां दबी हुई है एनडीए में। दुर्गेंद्र जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की वो बुलंद आवाज है जो पूरे प्रदेश ने पूरे देश के अंदर सुनाई देती है। तो हमारी आवाज दबी नहीं है, जिनकी आवाज दबी है वो अपनी आवाज को उठाने का प्रयास करे। और जहां तक जिस प्रकार मुद्दों की बात हो रही है तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट है, INDIA जो ठगों का ठगबंधन इन्होंने तैयार किया है, इस ठगों के ठगबंधन का एकमात्र उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, मोदी को हराना। जिस प्रकार ये बात बोलते हैं कि भैया विवाद नहीं चल रहा, संवाद चल रहा है। अभी थोड़ी दिनों पहले ही मध्य प्रदेश का जो चुनाव संपन्न हुआ था, उस चुनाव के अंदर दुर्गेंद्र जी, पूरे देश की जनता ने देखा कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दिया। कांग्रेस के नेता अखिलेश वखलेश चिरकुट जैसे नेताओं की वाली भाषा के ऊपर आ गए थे। तो ये जिस प्रकार बातें करते कि भैया सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग एक मंच पर हैं, ये किसी को हराने के लिए एक मंच पर नहीं आए हैं, ये लोग देश को लूटने के उद्देश्य से, देश की सत्ता को हासिल करने के उद्देश्य से आए, क्योंकि इनके दिन नहीं मिल रहे हैं। जिस प्रकार बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस है क्या? 325 विधानसभा सीटें ऐसी है जिसके अंदर कांग्रेस को 3000 से भी कम मत प्राप्त हुए हैं और कांग्रेस अभी भी अपने घमंड के अंदर बैठी हुई है। कांग्रेस को वास्तव में धरातल पर आकर देखना चाहिए वास्तविकता है क्या। अरे सुन लो जरा, छटपटाओ मत, चीज झटपट दूर हो गई, मिल गया भाई, बात हो गई। दुर्गेंद्र रोकने की बात कर रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी आरएलडी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था और 37% वोट आया था। आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा चुके, 50%+ वोट जा रहा है। और जो राम नाम की जो सुनामी आने वाली है, इस सुनामी के अंदर ये ठगों का ठगबंधन पूरी तरीके से बह जाएगा। ये बड़ी बात आपने कही, राम नाम की सुनामी। ठीक है, सुभाष यादव मैं आपको रोक रहा हूँ, पहले मैं छोटा सा जवाब अनिल यादव से लेता हूँ, अजीत यादव से भी राजू जी को चर्चा में शामिल करेंगे। अनिल यादव बोलिए, रिएक्ट करिए। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बस जवाब देना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि मैं सुभाष यादव जी की बातों का बुरा इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि इनकी बातचीत चल रही है मंत्रिमंडल को लेकर। ये चाह रहे हैं, ये इनको मिल तो कुछ रहा नहीं है एनडीए से, ये लगातार अपने नंबरों, कभी दिल्ली चक्कर लगाते हैं, कभी लखनऊ चक्कर लगाते हैं, तो ये वही कोशिश कर रहे हैं पार्टी के नंबर बढ़ाने के लिए कि कहीं कोई मंत्रालय मिल जाए, इसलिए इस तरह के ये बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं तो अगर असलियत की बात की जाए, अगर फैक्ट्स की बात करी जाए, तो फैक्ट्स ये हैं कि जब ये विधानसभा चुनाव यूपी में लड़ रहे थे तो इन्हीं की पार्टी के, इन्हीं के नेता ओपी राजभर, जिनकी देश भर में ये आवाज बता रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या बता रहे हैं, उन्होंने कहा था कि देश में सबसे झूठा प्रधानमंत्री कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब मुझे बताइए कि तब वो झूठ बोल रहे थे या ये अब झूठ बोल रहे हैं, कौन झूठा है? सुभाष यादव झूठे हैं या ओपी राजभर झूठे हैं जो उस टाइम पे वो बयान दे रहे थे? उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा था कि इसको मठ में छोड़ के जाएगा, इस योगी आदित्यनाथ को मठ में वापस छोड़ के आ जाएगा। अब क्या है, खेल बदल गया, अब इन्हें मंत्रालय चाहिए, मंत्रालय चाहिए तो भैया हमें अपशब्द कहने पड़ेंगे। मैं इनको अपशब्द एक भी, देखिए मैंने एक भी अपशब्द नहीं कहा, हम तो इनका भी सम्मान करते हैं, हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं, इसलिए मैंने तो फैक्ट्स पे बात करी। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही थी, मैं दो चार बातें सुन रहा था, मेरे मित्र लोकतंत्र की भी दुहाई दे रहे थे। 142 सांसदों को संसद से सस्पेंड करने वाले यदि बाबा भीमराव का नाम अपने मुंह से लेंगे तो शर्म आएगी, मुझे दुख होगा उस बात का कि बताइए इससे ज्यादा बहरूपियापना नहीं हो सकता। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जनता इनका वर्णन कर रही है, जनता इनके गुणगान कर रही है। अभी हाल फिलहाल की एक दो घटना, एक घटना तो आज की है, मुजफ्फरनगर में एक पुलिस वाले ने, एक दरोगा ने चार साल तक एक छात्रा से दुष्कर्म किया, पुलिस वाले ने। अभी एक एटीएस में एएसपी पे आरोप लगाया दुष्कर्म का, ये तो इनकी उत्तर प्रदेश की यूपी की पुलिस है। और बीएचयू में इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पदाधिकारी थे एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में, 60 दिन तक पुलिस ने नहीं पकड़ा। ठीक है, अनिल यादव कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है। कामों को देखकर इसीलिए हम लोग आ रहे हैं, इंडिया हार रहा है और इंडिया जीत रहा है। ठीक है, अजीत यादव रिएक्ट करिए, बोलिए। दुर्गेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ सुभाष यादव, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजीत यादव बोलिए। अजीत,
अभी भाजपा के साथी कह रहे थे कि हमारे यहाँ समन्वय है। अरे कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने हाथ मिलाया तो समन्वय कहाँ चला गया? पंजाब में अकाली दल के साथ इनका जो समन्वय था कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ इनका समन्वय था कहाँ चला गया? और पियरका काका अभी जो बोल रहे थे, हमारे जो कुर्ता उठा के भगते हैं मोदी योगी को बोल रहे थे कि उनको भीख मंगवाएंगे, मंदिर में जाके घंटा बजाएंगे, भूल गए और बार बार चिल्लाते रहे कि हमारी जात को जो है 80 में रख दीजिए। 4 साल तक चिल्लाते चिल्लाते, गाजीपुर में मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, जानता हूँ, एक डीएम उनकी बात नहीं सुन रहा था, मंत्री इसलिए भागे थे, इसलिए नहीं भागे थे कि अधिकार चाहिए, और ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? अरे भाई हमने सम्मान दिया और इनको जो है इनकी पार्टी इनको जो है माफ कर दीजिए, इनको मंत्रालय चाहिए। एक मिनट, ठीक है अजीत यादव कंप्लीट करिए। एक मिनट अनिल जी, अभी अयोध्या में जब मीटिंग हो रही थी तब बड़ी जोर पे चर्चा थी कि अमित शाह जी से तड़ी पार से मिल के आए हैं और घोषणा होने जा रही है, कुर्ता सिला करके पियरका और खादी का पहन के बैठे थे। शब्दों का चयन अच्छा कीजिए आप लोग, किसी नेता के प्रति मत करिए। अच्छा चयन कर रहे हो, करें ना आप लोग, अच्छी बात नहीं है। ठगबंधन की शुरुआत कौन ने किया है? ठीक है, मैं ठग बंधन और इस पर चर्चा में नहीं जाऊंगा। मैं सुभाष यादव को, सुभाष यादव मात्र 10 सेकंड, फिर मैं राघवेंद्र जी को लूंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुभाष यादव 10 सेकंड बस। दुर्गेंद्र जी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की जो भाषा, उससे ये पता चल जाता है कि वास्तव में समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और इस कहावत को चर्चा कर रही कि जहाँ पे दिख जाए कहाँ गुंडों के बीच फंसे थे रजिया बन के आप तो हैं या नहीं है? आप भी तो गुंडों में फंसे हुए थे, अगर ये गुंडे हैं तो बोले तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। तीन तीन यादव हमारी डिबेट में थामना मुश्किल हो जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे बीच में मत बैठे, बोले मर्यादा बना के रखे किसी को। भैया क्लेरिफिकेशन में हमारा समय मत करो, बोलने दो, दूसरे के हिस्से का समय ले लोगे आप लोग। चलिए मैं राघवेंद्र जी के पास जाता हूँ। अजीत जी आप भी शांत हो जाइए, बोलेंगे। राघवेंद्र राजू, ये जो दबाव का दंगल है, ठीक है, जो एनडीए के साथी हैं वहां एक अपने तरीके से बात कहने की होती कि भाई निषाद साहब ने कहा कि मैं 11 सीटों पर लड़ूंगा, इस बार सिंबल लड़ूंगा, ये लड़ूंगा, वो लड़ूंगा, लेकिन जो एनडीए के साथ भी जो दल हैं उनकी बगैर हैसियत देखिए तो बीजेपी के साथ जुड़ने के कारण ही उनकी हैसियत इतनी बड़ी बनी है। उससे ठीक है वोट बैंक उनका है, हो सकता कि वो बहुत डिसाइडिंग हो, लेकिन बीजेपी का जब इंजन लगा तब ये पार्टियां दौड़ने लगी। चाहे अपना दल को ले लीजिए, चाहे निषाद पार्टी को देख लीजिए, और सुभाषपा को भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी से लाभ हुआ। तो जो दबाव की राजनीति है इंडिया वाले गठबंधन में, कुछ अखिलेश यादव इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई मायावती आएंगे तो हम छोड़ देंगे, कांग्रेस चाह रही कि अगर अखिलेश छोड़ते हैं तो बी प्लान बी बना कर रखो, क्या क्या घमंजा चल रहा है ये पूरा इंडिया गठबंधन और एनडीए में? राघवेंद्र राजू अनम्यूट करिए, आपका माइक बंद है राजू जी। दुर्गेंद्र जी आवाज आ रही? हाँ बोलिए 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 जी जी, मैं आ रहा हूँ। दुर्गेंद्र जी, आप दुर्गेंद्र जी देख रहे हैं कि 2024 का दस्तक पे हो चुका है जी। आज मैं लखनऊ राजधानी में मैंने देखा, एक तरफ प्रभु श्री राम को लेकर के दीपावली मनाने का, हमारे जो पर्यटन मंत्री जी है जयवीर सिंह जी के निवास पे था तो मैं देख रहा था चारों तरफ बड़ा डेंटिंग पेंटिंग चल रहा है। तो मैंने जब पूछा कि भाई ये सब क्या है तो बोले सारे मंत्रियों का दीपोत्सव, एक दीपावली राष्ट्र तिलक की तैयारी हो रही है, पूरे देश में दीपावली पुनः मनाए जाने का सारे मंत्रियों को और सारी भाजपा आरएसएस को लगा दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष साहब जो संगठन के प्रमुख है वो भी अयोध्या दर्शन के साथ लग गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से दोनों पार्टियों में, सपा के बीच में और बसपा के बीच में, जो बौद्धिक विचारों का स्तर है वो इतना ज्यादा, आप देख रहे हैं आपके यहाँ डिबेट चल रही है, बौद्धिक विचारों का स्तर जब आम जनमानस में डिबेट का जो बौद्धिक स्तर जाता है तो लोग सोचते हैं बताइए कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने वाले
ये सब कभी सुबह सपा में है बसपा में टिकट कहीं मिल जाए। ये निश्चित तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी में भी जब मौजूदा समय में योगी सरकार बनी थी तो 167 विधायक विभिन्न दलों से ही आकर के भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उन्होंने अपने संस्कृति को संस्कारों को उसमें ढाल लिया। और जहां तक बात हमारे अभी ओम प्रकाश राजभर के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि भाई ये ठीक है कि कौन पार्टी किस व्यक्ति विशेष में जुड़ी हुई है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें आने वाले समय में होंगी। लेकिन ये भी बात सच है कि उनका पूर्वांचल के वर्ग विशेष में अच्छा प्रभाव है। इसके अलावा भी तमाम जो जाति समीकरण है आपने देखा होगा क्षेत्रीय दलों का जितना भी संतुलन है वो यूपी और बिहार में ज्यादा रहता है। अन्य प्रदेशों में आपने देखा पांच राज्यों के चुनाव में कि 10 लाख वोट ज्यादा पाने के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता से केवल एक राज्य में अपनी सत्ता बना पाए। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि आज जो समीकरण बनाने और गठजोड़ बनाने का काम चल रहा है वो आपने देखा है पिछली बार 38% पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इतने सहयोगी दल 50 सहयोगियों दल के साथ में 3% कुछ उनको मिला 40% कुछ पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा केंद्र में सरकार चल रही है। कहने का तात्पर्य यह है केवल समीकरण बनाए जा रहे हैं लेकिन इन जाति समीकरण में आपने देखा होगा कि आज 13 तारीख को रैली होने जा रही है और अब डॉक्टर संजय निषाद से आज मैं मिला, मैंने कहा भाई क्या फार्मूला है, उन्होंने कहा जीत का फार्मूला तैयार है। अरे हमारा तो समाज बहुत बड़ा समाज है, जातियों में बहुत बड़ा अपभ्रंश कर दिया गया, अरे हम तो 18% है, वो अपना आंकड़ा आज 18% बता रहे। दुर्गम जी कहने का तात्पर्य है कि दबाव का दंगल अब शुरू हो गया है, कौन के साथ में कितना वोट है अलग अलग, भाई कोई कहता कि नहीं साहब छत्रपति शिवाजी के हम वंशज है, हमारा वोट बैंक कितना है, हमारे भी आप देख लीजिए जातियों में इतना उपभ्रंश है। ये जातियों में जो उपभ्रंश का जो सिलसिला शुरू हो गया है, कई महापुरुषों के नाम पर राजनीति और डिबेट हो रही है, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को खुली छूट है कि वो कृष्ण राम के नाम पर बोल जाएंगे, कृष्ण के नाम पर बोल जाएंगे, देवी देवताओं के नाम पर बोल जाएंगे, और ये सब ऐसे समय में जब एक देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है राम इस समय और कृष्ण जन्म भूमि राम जन्म का मामला जो था वो तमाम ऐसे जो सर्जिकल स्ट्राइक है, हिंदू वोट बैंक जो है उसको एक तरफ हिंदू वोट बैंक है और दूसरी तरफ ये जो जाति समीकरण का वोट बैंक है, तो ये आपने देखा और मोदी जी बहुत सदी हुई प्रधानमंत्री जी की जो आप भाषा शैली देख रहे हैं उन्होंने कहा कोई जाति बात नहीं। हाँ आज 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 राजू जी मैं आपको रोक रहा हूँ, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने अपने मंत्रियों को सलाह दी, निर्देश दिया, चेतावनी दी, जो भी समझ लें मंत्री, कि राम मंदिर के मसले पर जरा बोलो ही नहीं, एक तो पहले मसले पर इधर उधर जो विवादों में मत फंसो, बयान के जवाब में बयान मत दो, बस राम नाम करो, ये मोदी जी ने आज बता दिया है। देखिए दुर्गा जी ये तो निश्चित तौर पर है कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं उनकी संकल्प यात्रा चल रही है, जगह जगह उनके रथ और बूथ स्तर पर उनकी कमेटियां बना करके पूरा बूथ मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है। ये निश्चित तौर पर अभी समाजवादी पार्टी ने भी 8-9-11 अलग अलग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम को अपने में, कांग्रेस भी संबंध में उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को बुला करके उनका भी मंथन चल रहा है। लेकिन ये निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है कि नहीं बसपा सुप्रीमो की अनदेखी हम नहीं कर सकते, और उसमें अखिलेश जी को भी ये लग रहा है कि पिछली बार जो उन्होंने गठबंधन किया था आखिरकार बसपा की सीटें ज्यादा आई और सीट शेयरिंग में बातों के बावजूद भी वो अपनी ठीक है। राघवेंद्र जी मैं रोक रहा हूँ, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ, आप राघवेंद्र जी की आवाज भी ठीक की जाए, पूरी आवाज क्लियर नहीं मिल रही। सुभाषपा के नेता एक 10 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ, निर्बाध रूप से कोई मत बोले कृपा करके, उनको बोले दिए फिर मैं कृष्ण मोहन जी के पास जाऊंगा, बोलने का पूरा मौका नहीं मिल पाया था। ये जो बार बार जो माननीय राजभर जी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दिन भर होकर राजभर चालीसा ही पढ़ते रहते हैं। पूरी तरीके से राघवेंद्र सर ने जिस प्रकार निष्पक्ष विश्लेषण किया उससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि वास्तविकता क्या है और 2024 के अंदर क्या होने वाला है। ये जो बार बार मंत्री पद की बात करते हैं ये मेरे दोनों काबिल दोस्त वर्क करके न्यायाधीश आए, उनको पता होना चाहिए कि 2017 के अंदर हम 18 महीने सरकार के अंदर थे और 18 महीने सरकार के बाद में हम इस्तीफा देके बाहर चले गए। तो सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी के लिए मंत्रिमंडल इतना महत्वपूर्ण है, मंत्रिमंडल का पद तो बयान है सुभाष जी, आप कह सकते हैं कि भाई मुझे मंत्रिमंडल नहीं चाहिए, क्या करिएगा
राघवेंद्र जी आवाज नहीं आ रही आपकी, राघवेंद्र जी की आवाज ठीक कीजिए, राघवेंद्र जी आवाज ठीक करिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, राघवेंद्र जी वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको रखने दीजिए। नहीं उनको मोह नहीं है, वो कह रहे हैं हम सरकार में रह चुके हैं, उनको मोह नहीं है। मैं कृष्णमोहन जी के पास जाता हूँ, कृष्णमोहन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो कुल मिला के घूम फिर कर राघवेंद्र जी की बातों से, अन्य पनिश की बात से लग रहा है कि क्या राम नाम की जो चाबी है उसी से 2024 का ताला खोल के आप हैट्रिक लगाएंगे क्या? ये विपक्ष कह रहा आपके पास कोई मुद्दा नहीं, राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान का आप। कृष्णमोहन जी, जी सवाल आप सुन पाए क्या मेरा? दुर्गेश जी मैं सवाल नहीं, कितना बोलोगे भाई? सुभाष जी मैं आ रहा हूं, कृष्णमोहन जी को ले लेता हूं। कृष्णमोहन जी, राम नाम की कुंजी से ही 2024 का ताला खुलेगा क्या? दुर्गेश जी देखिए, हमारे जितने भी साथी थे सब लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकासवादी कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, और हमने इन पिछले 5 वर्षों में जो कार्य किए हैं जनता के बीच में, हम तो अपने रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से कर रहे हैं। जन विश्वास विश्वास यात्रा लेके गए, विकसित भारत संकल्प यात्रा लेके गए हैं जनता के बीच में, और हमने जो इन 5 वर्षों में विकास कराया है जनता के बीच में जा रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। किसी पार्टी में दम नहीं है जो रिपोर्ट कार्ड लेके चली जाए। हमने जो 5 वर्ष कार्य किया है उन्हीं 5 वर्षों के किए गए विकास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता को समझ में आएगा तो हमें पूरे सप्ताह में लेके आएगी, यदि नहीं समझ में आएगा तो कांग्रेस को शुभकामनाएं। परंतु काम जवाब जो कार्य हमने किए हैं, जो हमने 5 वर्ष कार्य किए वो जनता के बीच, और रही बात राम नाम की, तो साहब ये कार्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। दूसरा, सुप्रीम हम चूंकि वेलफेयर स्टेट है, कोई भी स्टेट में जो रूलिंग पार्टी होती है वेलफेयर स्टेट का वो प्रतिनिधित्व करती है, तो इस कारण हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, राम मंदिर का जो कार्यक्रम चल रहा है उस हिंदू परिषद करा रही है, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में प्रदेश में और केंद्र में है तो इंस्टीट्यूशन का काम कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे है। परंतु इसी रिपोर्ट कार्ड को हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि बेहतर तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे परंतु बेहतर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। हमने सर्वाधिक लोगों को आवास देने का काम किया, हमने शौचालय देने का काम किया, स्वच्छ जल देने का काम किया, बेहतर सड़कें दी, 5 लाख रुपया हमने लोगों को बीमा के रूप में स्वास्थ्य बीमा दिया। तो देश के एक बहुत बड़ी आबादी को जो एक जंगल में सुदूर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भूख से ना मरने देंगे, एक बेहतर जीवन शैली देंगे, संवैधानिक अधिकार देंगे, उनके अधिकार देंगे, और हमने दिया। और ये सारे रिपोर्ट कार्ड विकास की परिकल्पना, ठीक बात है, उस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए, ठीक बात है कृष्णमोहन भाई जी। नहीं मैं अभी जवाब देने का मौका मैं दे रहा हूं आपको, पहले अजीत यादव जवाब दे लीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई उनके पास तो लंबा चौड़ा रिपोर्ट कार्ड है, आप लोग चिल्लाते रहोगे राम नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो तो इतना वेलफेयर का काम कर चुके हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है काम की, उसी के दम पर वो 3 राज्य जीते हैं, आगे भी जीतेंगे। विकास को हम बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 6800 विद्यार्थी बैठे हैं वहीं लखनऊ में, और ठंडी बरसात और इस शीतलहरी में किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, लाठियां बरसाई गई, और किस तरीके से 100 डायल की जो संवाद कर्मी थी वो जो है 11,800 उनका पेमेंट मिलता है, वो मांग कर रही थी कि 18,000 हमारा कर दिया जाए, और जबकि आप जानते हैं कि सफारी स्कॉर्पियो का टायर भी इस समय 11,000 में नहीं मिलता है, 12-13-14,000 सफारी में थोड़ी चलती है अजीत यादव, वो क्या सफारी में चलती है जो टायर खरीदेंगे? हमारी बात सुन लीजिए, मैं एक उदाहरण तो आप बताइए, 1100 रुपए में इस महंगाई में, 11,000 में इस महंगाई में खर्चा चला पाना आसान है? आप जाकर के किचन में देखिए महिलाओं को 150 के ऊपर दाल मिल रही है, आज महंगाई ये बात है, आपने वोट नहीं मांगेंगे, आपने भी तो नहीं बोला था। ठीक है अजीत जी, अब समझ नहीं है अजीत जी कंप्लीट करिए अजीत जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना है, अजीत जी कंप्लीट करिए जल्दी से। बात कर रहे थे किस तरीके से संविधान को दिल्ली की सड़कों पर सी भाजपा सरकार में जलाया गया, राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनु की स्मृति लगी है, ये मनु स्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, किस राम ठीक है अजीत यादव रोक रहा हूँ, अनिल यादव के पास जाऊंगा। अनिल यादव
वो कह रहे हैं कि भाई रिपोर्ट कार्ड है और आप लोग अभी तक अपने गठबंधन का कार्ड नहीं बना पाए, उसमें अभी किसको शामिल करना है किसको नहीं कर पाए, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच चले जाएंगे, चले गए हैं बल्कि। अनिल यादव नहीं है, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, आपके पास अजीत जी शांत हो जाइए, अनिल यादव को बोलने दीजिए, बोलिए अनिल यादव। इनके पास, सुन लीजिए भाई अजीत जी, एक मिनट सुन लीजिए भैया, मैं कह रहा हूँ इनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इनके पास झूठ कार्ड है, इनके पास जुमला कार्ड है, इनके पास लफबाजी कार्ड है, इनके पास काम के नाम पे कोई बात नहीं है। मैं बता देता हूँ, इन्होंने जब ये पहली बार सरकार में बीजेपी उत्तर प्रदेश में आया था, इन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी, जहां पर आपका स्टूडियो है वहां से आप अपने घर तक का रास्ता देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना विकास किया है। हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का खूब विकास हुआ है, अयोध्या में जमीनें तमाम तरह की बेची गई, और ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर हुआ इन लोगों का कि भाई वहां पर बिना काम कराए ही ठेकेदारों को पैसा दिया गया, इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। सीए आपने अभी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, बीमा का जिक्र कर रहे थे, आयुष्मान भारत नाम की जो योजना है उसमें एक नंबर से कई लाख लोग उसमें रजिस्टर करा दिए, सारा पैसा ये लोग खा गए। आप सोचिए कि 80,000 जो लोग मर चुके हैं उनके नाम पर पैसा ले लिया गया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया। और ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। हकीकत क्या है, एनसीआरबी का डेटा, क्योंकि पांडे जी पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा भी रिलीज हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर वन पे आया है, ये विकास हुआ है। और क्यों हम, और हम एनसीआरबी के डेटा की क्यों बात करें, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि जो देश को गौरव दिलाने वाली बेटियां जब न्याय की मांग कर रही थी दिल्ली की सड़कों पर, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को बचाने के लिए खड़ी हो गई, और सांसद शेख की बगाए क्या कह रहा था कि दबदबा है दबदबा रहेगा। बताइए, इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी बेटियों की बात करेगी, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी राम की बात करेगी? अच्छा अनिल यादव, एक सवाल का मेरे भी जवाब दे दो। अनिल यादव, आप लोग लाख कह रहे हो, बातें बहुत अच्छी अच्छी आप करते हो, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं आ रहा हूँ कृष्ण मोहन जी, मैं आ रहा हूँ, बहुत पढ़े लिखे और लर्नेड विद्वान आदमी है आप, बड़ी अच्छी बातें, और गठबंधन के सारे साथी अजीत यादव की बातों से मैं सहमत हूँ कि भाई इतने ओबीसी इतना ये उतना बीजेपी ने बहुत गड़बड़ कर दिया, ये बातें नीचे तक परकुलेट कहाँ हो रही हैं, पहुंची नहीं रही जनता तक, और वो कह रहे राम 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 करके चुनाव जीत रहे हैं। आपको आपको मेरी बात हो सकता है चुप जाए, लेकिन मैं सत्य कहूंगा। पहले क्या होता था, जब यूपीए की सरकार थी, कोई एक चीज होती थी, कोई एक चीज झूठा घोटाला भी बना दिया जाता था तो मीडिया उसे जन जन तक पहुंचाती थी। आज आपको, आप देखिए कि किस तरीके से बिल्किस बानो वाले मामले में, जहां पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और वापस डिसीजन किया, किसी भी न्यूज चैनल ने डिबेट की नहीं चलाई। तो अब आम जनता का जो को नीचे तक पहुंचाने का जो कार्य प्रेस पहले करती थी वो नहीं करती, हालांकि उससे हमें नहीं फर्क पड़ता, हमारे कार्यकर्ता बूथ पे जाएंगे, एक एक घर पे जाएंगे, हम लोगों ने कमर कस ली और इसी के लिए इंडिया गठबंधन मनाया गया है। मैंने पहले ही कहा ना, इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है, सारी सरकारी मशीनरी, आप सच बोलेंगे, मैं आपकी भी गलती नहीं मान रहा हूं, आप सच दिखाएंगे तो आप पे मुकदमा हो जाएगा, आपका चैनल बंद करा देंगे ये लोग, तो मैं समझ सकता हूं। हमें क्यों डरा रहे हो महाराज, हमको लग रहा है हम डिबेटर बंद कर देंगे, इतना डर जाएंगे, हमें मत डराओ यार। कृष्ण मोहन पांडे, अब मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है, 30 सेकेंड है भाई, इनकी 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग डराते हो, धमकाते हो, मीडिया कब्जा कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, और इनकी बात नीचे तक जाती नहीं, बताओ कैसे लोकतंत्र चलेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। कृष्ण मोहन जी, जरा जल्दी में करिएगा। कांग्रेस के मित्र हमारे जो कह रहे हैं मीडिया से डरी हुई है, तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, देश की जनता इस बात को ठीक से महसूस कर रही है। इन्होंने कहा सांसदों का हमने निलंबन किया, साहब खरीद तिरसठ, सुन लीजिए गजी जी, 63 सांसदों का आपने निलंबन किया था, ये आपको मुझे लगता है याद होगा, 18 सांसदों का एग्जिट किया था आपने, आपको याद होगा, वीएचओ की घटना का आपने जिक्र किया, साहब भारतीय जनता पार्टी के होकर आप कोई व्यक्ति हो या कोई अपराधी अपराध करेगा उसको जेल में डालेंगे और दंडित कराएंगे, ये हमने गिरफ्तार करके सिद्ध कर दिया। 50 घटनाएं ऐसी है जिसको, जिस अपराधी को बचाने में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई थी, ये बताने उनके बड़े नेता खड़े हो गए थे, बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है। दूसरा, हमारे मित्र एनसीआरबी की डाटा का जिक्र कर रहे थे, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में दलित अपराध नीचे आया, उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नीचे आया, परंतु हाँ महिलाओं पर, दलित महिलाओं पर जो रेप के चार्जेज है, रोप के जो अपराध बढ़े, अभी आपकी सरकार जो राजस्थान में गई थी साहब, सर्वाधिक बढ़े थे वहां पे, देश में एक नंबर था, और जिन जिन कांग्रेसी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है
वहां पे एनसीआरबी का डाटा वो भी चुना दीजिए आप यहाँ पे एनसीआरबी का डाटा कैसे आपके राज्य में बढ़ता है क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं ना बीएचयू में आपके कार्यकर्ता पकड़े गए जिन राज्यों में सरकार है संगठित अपराध सामाजिक अपराध महिला अपराध दलित अपराध गिरफ्तार कर रहे हैं आप हम दिखरी जी कानून में सुशांत सिंह को गिरफ्तार करेंगे या नहीं ठीक है संगठित अपराध में और आपने बिल्किस बानो की बात की मित्र बहुत अच्छा किया आपने इस बात को याद दिला के बिल्किस बानो के मामले में आप लोगों ने अपराधियों का स्वागत किया था ठीक है मेरे पास वक्त नहीं है माफी कृष्णमोहन जी आपको भी रोक रहा हूँ अनिल यादव और अजीत यादव आपके राघवेंद्र जी 10 सेकंड में अंतिम टिप्पणी अजीत भाई 5 सेकंड में कह सको तो मैं 5 सेकंड है मेरे पास मैं राजू जी का काट दूंगा 5 सेकंड बोलिए बोलिए अजीत म्यूटी है चलिए कोई बात नहीं राघवेंद्र जी 10 सेकंड में बोलिए देखिए दुर्गा जी ये तो निश्चित तौर पर है कि पूरी बिसात बिछ चुकी है लेकिन ये भी चौंकाने वाला परिणाम है कि राजस्थान में जिस तरीके से उपचुनाव में मंत्री चुनाव हार जाता है भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और ये निश्चित तौर पर भी चुनाव एक आस्था के विश्वास पर हिंदू का जो बहुत बड़ा वर्ग है पूरे विश्व में या देश में वो निश्चित तौर पर हिंदू का वोट बैंक जो लगातार अन्य जो विपक्ष है उस पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी बहुत शुक्रिया कृष्णमोहन जी बहुत धन्यवाद सुभाष यादव अजीत यादव बहुत बहुत धन्यवाद अनिल यादव जी आपका भी बहुत धन्यवाद बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं सवाल यही है कि बीजेपी की तैयारी काफी दिनों से है वो कह रहे हैं कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं इंडिया वाला गठबंधन अभी अपने सीटों का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है राम नाम का जो मसला है वो राम नाम की सुनामी आ रही है ऐसा सहयोगी दल या जो लोग कह रहे हैं और इसके लिए सुनामी आए हिंदू मानस पटल पर एक तरीके से बीजेपी की बात बैठा चुकी है बैठाना चाहती है कि वास्तव में जो कुछ हुआ है बेहतर इस देश में राम के नाम पर वो उसने किया है और जो वो उसके एजेंडे में भी था तो कुल मिलाकर इससे विपक्ष को पार पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार